हे गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट ट्रक। तो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बैग यूज़ करता हूँ। तो गाइस, मैं स्काई बैग यूज़ करता हूँ, जिसके भीतर मैं अपना सब एसेंशियल चीज़ें रखता हूँ जाने के लिए। और मैं अभी घर में हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना वायरस है, और इस साल बहुत सारे ट्रिप मेरे कैंसिल हो गए हैं। ये बैग अभी, चलो यार डायरेक्ट मैं बोलता हूँ क्या क्या है मेरे बैग के भीतर में। तो ये बैग है, हाँ बहुत सुंदर सा बैग है, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कभी कोई टेक बैग कैरी नहीं करता, क्योंकि यार वो ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जहाँ भी कोई भी ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ मुझे टेक बैग मिल ही जाता है। मैंने टेक्निकल का जो भी चीज़ है वो मिल जाता है। जनरली मेरा काम क्या है, मैं पॉडकास्ट चलाता हूँ, इसलिए उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, फ़िलहाल जिसमें मैं शूटिंग कर रहा हूँ वो Realme 2 Pro, और वो है एक रेडमी का फ़ोन, आप सबको दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, मैं दोनों फ़ोन कैरी करता हूँ। एक्चुअली ये रेडमी है वो बस बिज़नेस कॉल्स के लिए है, और ये जो ये वाला फ़ोन है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मेरा बस फैमिली फ़ोन है। मैं कोई भी मुझे इसमें फ़ोन कर सकता है, इसका नंबर मैं दे भी सकता हूँ, पर भरोसा नहीं आप लोग का। तो यार स्टार्टिंग करते बिना कुछ बोल के। तो यार पहले जिप खोलते हैं, देखते क्या मिलता है साला। ओके, तो पहले आता है फेस वॉश। हाँ यार, सबको तो ये चाहिए ही चाहिए फेस वॉश। ये बियर्डो का है, मैं बियर्डो की चीज़ें यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार निविया और वो सबसे मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। और उसके बाद सोडियम पेरोक्साइड यूज़ करना पड़ता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ख़राब है। उसके बाद आता है ये मॉइस्चराइज़र, अभी इसकी ज़रूरत है देख लीजिए। मॉइस्चराइज़र, रुक जाओ मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ। ये मॉइस्चराइज़र अच्छा है यार, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो चलो अभी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं, देखते क्या निकलता है। इधर भी कुछ होना चाहिए था। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेन। कोई भी डील्स होती है साइन करने के लिए ये रखनी चाहिए। ये पार्कर है, ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, 120 की आती है बस। तो इसको भी निकाल दिए, देख लेते तो कुछ है कि नहीं। चलो यार, ये कंपार्टमेंट मेरा पूरा हो गया। अभी जाते सेकेंड कंपार्टमेंट में, देखते क्या है इसमें। ओके, तो सेकेंड कंपार्टमेंट में पहले आता है मेरा हेडफोन। ये फ़िलिप्स का है, जी हाँ ये फ़िलिप्स का है। ये वायरलेस है, और मुझे कब कितना 1700 में पड़ा था, दुकान से लिया था। तो अभी भी चल रहा है वैसे, कम से कम 2 साल हो गए इसके। एंड इट्स क्वाइट गुड, साउंड अच्छी है, बेस भी अच्छी है। मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो यार इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। तो ओके, ये हो गया। अभी मैं फिर से जाता हूँ बैग में अंदर, क्या देखते हैं क्या आता है इधर। ओके, तो ये मेरा चार्जिंग है, ये मेरा Realme 2 Pro का। ये फास्ट चार्जर नहीं है, ये काम करता है बस Realme 2 Pro का चार्ज करने के लिए। और रेडमी की ओर से मुझे शायद फास्ट चार्जर भी इसमें होगा, शायद देखते हैं। ओके, तो ये और एक ईयरफोन्स है, ठीक है। मतलब बाई चांस यार वो वाला काम नहीं करता, क्योंकि उसको चार्ज करना पड़ता है। मैंने बताया उसमें चार्जिंग स्लॉट है, वो चार्ज नहीं कर, जितना रैम मैं करता हूँ उससे अच्छा ये भी यूज़ हो जाता है। सो इट्स ओके, इसका भी साउंड क्वालिटी अच्छा है। और ये मुझे पड़ी थी 220 ऐसे समथिंग में। तो नहीं जाते क्या आता है देखते भीतर, बस और कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। ओके, सो ये मेरे दो पर्स। सब लोग पूछते हैं मुझे कि दो पर्स क्यों कैरी करता है वे। तो गाइज, इसमें मेरा कैश रहता है, ठीक है। और इसमें मेरा कुछ कार्ड्स वार्ड्स जो मुझे बहुत काम के लग जाते हैं, ये हो गया। अभी यार ज़्यादा भीतर और कुछ है कि नहीं देख लेते हैं। सो यार ये स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका, अभी जाता है थर्ड स्लॉट में। थर्ड स्लॉट में मैं ज़्यादा कुछ रखता नहीं, मैं ये जगह को खाली रखता हूँ। अभी बहुत जन मुझे पूछते हैं भाई पावर बैंक नहीं रखता है, मैं बोला ना पावर बैंक मैं रखता हूँ। मेरे पास है एक पावर बैंक जो सिस्का का है, वो 800 रुपये का है, और 10,000 mAh अभी भी परफेक्ट चलता है। आप लोग वो खरीद सकते हैं, सिस्का का प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं अभी ख़रीदने वाला हूँ रियलमी का जो फास्ट चार्जर है 1200 रुपये का, ठीक है। तो अभी देखते कुछ है कि नहीं। ओके, तो इसमें यार वो रेडमी का चार्जर है, वो फास्ट चार्जर है फ़िलहाल, ठीक है। और ये है मेरा अस्त्र चार्जर, और इसमें बैटरी लगा हुआ है। ये मेरा DSLR का चार्जर है, निकॉन का, क्योंकि बाहर अगर व्लॉग बनाना होता है या फिर कोई काम के लिए फ़ोटोशूट्स करनी पड़ती है। देखो यार मैं फ़ोटोशूट्स के लिए पागल हूँ, तो यार ये करनी पड़ती है। तो ठीक है, चल गया ये स्लॉट हो गया कंप्लीट। अब जाते हैं लास्ट स्लॉट में। तो लास्ट स्लॉट है मेरा ये बैग, मैं इसको साथ कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि यार महंगा है भाई। ये मेरा निकॉन का है, देखते इसके भीतर है कि नहीं, मैंने डाला कि नहीं अभी भी। हाँ इसमें है, ये एक OTG, कहाँ गया, ये OTG है, 40 रुपये की मिलती है दुकान में। एक सेकेंड, हाँ 40 रुपये की मिलती है दुकान में, बहुत ही अच्छी है ये। एक्चुअली जनरली यूज होती है ना, कि यार मतलब डायरेक्ट मैं मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ कैमरा को,
ताकि मतलब कोई इजी होता है मुझे शूटिंग के लिए, मैं देख सकता हूँ कैसा इमेज आ रहा है मेरे फ़ोन में। सो इट्स अ प्रीटी गुड थिंग टू बाय। हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो कुछ नहीं है, चलो इसको रखते हैं साइड में। अभी जाते हैं कैमरा के ऊपर, कौन सा कैमरा है मेरे पास, बहुत जन पूछता है। मैं ये जगह खाली रखता हूँ उसमें, इसमें बहुत समय ना मैं कुछ इसेंशियल चीज़ें रहते हैं, जहाँ इसमें मेरे दो कार्ड्स है दिखाई दे रहा है आपको, SD कार्ड्स है एक्स्ट्रा, 32 GB और 16 GB का है। चेन कहाँ है? चलो यार चेन खोलते हैं, चेन चेन खुल जा सिम सिम। तो ये मेरा 1855 का लेंस, ये शॉर्ट रेंज के लिए परफेक्ट है। फिर से कैमरा का जूम देखो, देख सकते हो ये परफेक्ट है। और ये स्विच सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, आई प्रॉपरली लाइक दिस अलॉट। नेक्स्ट जो है मेरा कैमरा, मैं कैमरा में सबसे ना बड़ा लेंस लगा कर रखता हूँ। ये मेरा कैमरा निकॉन डी 3400 है, मुझे पड़ी थी 42,000 में। अभी आपको इसको अगर दुकान से परचेज़ करना है तो आपको मिलेगा शायद 48,000 का, दाम बढ़ाते हैं साले। और इसमें हुड लगा हुआ है, हुड बहुत जन पूछते हैं हुड किस चाक की काम क्या था, तो यार ये एक्चुअली ना सन रे से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, विच इज़ प्रॉपरली गुड, ठीक है। और गाइज अभी मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ, लैपटॉप मेरे इसमें है नहीं, मैं जाता हूँ टेबल में आपको एक स्नैप करके दिखाता हूँ मेरा लैपटॉप, ओके। तो गाइज ये मेरा लैपटॉप है, ये एक्चुअली मैंने फ़ोटो खींच के रखी हुई, क्योंकि यार ये नेक्स्ट रूम में और मैं वहाँ जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो गाइज ये है मेरा आसूस रॉग का स्टिक जी, विच इज़ प्रॉपरली गुड लैपटॉप, आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।